वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, रहाणे को बनाया गया उपकप्तान। दोस्तों, वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 12 जुलाई से टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मैच डोमिनिका में खेला जाएगा। रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि अजिंक्य रहाणे को टीम उपकप्तान नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गंवाने के बाद टीम इंडिया पहला मैच खेलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिले हैं। टीम से कुछ खिलाड़ियों बाहर किया गया, वहीं कुछ युवा खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों, टीम में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। इसके चलते टीम में सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। इन युवा खिलाड़ियों में आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलने वाले यशस्वी जायसवाल, चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और दिल्ली कैपिटल्स की ओर खेलने वाले तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। वहीं टीम के सीनियर बल्लेबाज पुजारा को टीम में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा टीम में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की एक बार फिर वापसी हुई है। सैनी अब तक भारत के लिए दो टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जनवरी 2021 में खेला था। टीम में सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, भारतीय टीम ने एक बार फिर अजिंक्य रहाणे पर भरोसा जताया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वापसी करने वाले रहाणे को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। WTC फाइनल से पहले रहाणे टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। वेस्टइंडीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे उपकप्तान, KS भरत विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट, नवदीप सैनी। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।